जो भी लोग हैं उनके बीच में हम लोग यहाँ स्थान हमारा बिहार से था लेकिन जन्म स्थान यहाँ से। दूसरी बात है कि गंगी यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी, इसलिए ऐसे जहाँ सरदार पटेल के ऐसे लोग जन्मे थे जिन्होंने किसानों को एक बल दिया जिसके आधार पर आप कानून ऐसे स्थान पर आकर के हम लोगों की बहुत खुशी होती है। और ऐसे स्थान पर जहाँ से स्वदेश प्रेम जागृति की चिराग जली थी, आइए आज के दिन में हम स्वदेश हरेक आदमी स्वदेश प्रेम जागृति का एक व्रत ले। बड़ा अच्छा हमारे प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि हम लोग देश के स्वतंत्रता में तो नहीं उपस्थित रहे लेकिन देश को नया भारत बनाने में हम जरूर योगदान कर सकते हैं। आज के दिन में लेफ्टिनेंट अमित सिंह वीर गति को प्राप्त होने वाले तक बहुत दौड़ा आती लेकिन फिर इन्होंने एक ऐसा व्रत लिया कि नहीं, जिसके लिए अमित ने बलिदान दिया है उस संदेश को कैसे हम चारों तरफ देश में विदेश में विश्व स्तर पर ले चले। और यह हमारे लिए देश के लिए बहुत आवश्यक है मित्रों, बहुत जरूरी है कि जय भारत जय किसान कह रहे हैं। हम लोग किसानों के खेत में जा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है कि गुजरात में बहुत अच्छे ढंग से कृषि की प्रगति हुई है। नई कृषि पर हम अग्रसर हो रहे हैं वह है कि भारत कैसे विश्व में ग्रीन पावर होगा। आज अमेरिका अफ्रीका को छूट देने की बात कर रहे हैं और हम चिंतन हमारा है और तभी होगा जो किसानों में दिलचस्पी बढ़ेगी। किसानों में दिलचस्पी तभी बढ़ेगी जब उनके खेत बनाने से नहीं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, तब जाकर के काम हो सकता है। इसमें कृषि बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एक आदमी स्वदेश प्रेम जागृति का एक व्रत ले। बड़ा अच्छा हमारे प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि हम लोग देश के स्वतंत्रता में जो नहीं ऊपर उस शहादत के याद करते हुए हम कैसे इस देश को नया भारत बनाने में योगदान दे सकते हैं, इसके लिए आज हम लोग अपने चिंतन तीन दिन तक करें और उसमें अपने को समर्पण करें। क्या कोई कर रहा है इसकी चिंता छोड़ दें, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये सोचना शुरू कर दीजिए। हम लोगों की आदत थोड़ा सा खराब है, हम लोग दूसरे क्या कर रहे हैं, कुलपति क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर है, टेक्नोलॉजी नहीं है, बाजार की कमी है और मौसम थोड़ा प्रतियोगी है और इतना अच्छा है। मैं कहूँगा कि इस तरह का मार्केटिंग स्ट्रक्चर जब भी इसमें भी कमियाँ हैं लेकिन सारे भारत वर्ष में हो जाए तो किसान बहुत धन्य हो जाएगा, उसको जीत बेचने में दिक्कत नहीं होती है। हम इसी के साथ आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं जो तीन दिन के बाद हम लोग इस भावना से यहाँ से जाएंगे कि हम क्या स्वदेश प्रेम जागृति का रखा था और जिस चीज में कंपटीशन में बैठा लेकिन उसने कहा कि नहीं है मैं फौज में जाना चाहता फौज में नौकरी लिया, फौज में भी उसकी पोस्टिंग दूसरी जगह थी फिर भी उसने जबरदस्त भारत जय किसान जय विज्ञान इस भावना को अपने अंदर लाने की जरूरत है और इसी के साथ आप सब लोगों को नमन करते हैं।